प्रोफेज़ फर्स्ट जो है ये मियोसिस फर्स्ट की पहली स्टेज है, जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेस है प्रोफेज़ फर्स्ट किसकी, मियोसिस फर्स्ट की सबसे लॉन्गेस्ट जो फेस है वो क्या है, प्रोफेज़ फर्स्ट। उसमें हमने सब फेसेस जो है बताए थे, क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैचिटीन और डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। उसमें हमने क्या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये सारी चीज़ें बताई दी थी। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है मेटाफेज फर्स्ट। क्या है? मेटाफेज फर्स्ट जो है ये स्टेज दिख रही है। इस स्टेज में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये इक्वेटोरियल लाइन जो होती है इस पे अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं ये असल है। हमने माइटोसिस में देखा था कि क्रोमोसोम जितने भी होते हैं वो सब लाइन से अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम यानी एक का क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, दूसरा और उसका दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, ऐसे वो अरेंज होते हैं। लेकिन इस स्टेज में यानी कि मियोसिस के दौरान, मियोसिस फर्स्ट में कि मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है वो माइटोसिस की तरह नहीं है, माइटोसिस की तरह नहीं है। क्या है उसमें, यहां पर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के अपोजिट इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज होते हैं। जैसे ये हैं ऐसे अरेंज होते हैं, एक ये ये हो गया क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होते हैं, आमने सामने अरेंज होते हैं और पोल से इक्वी डिस्टेंस पर वो जो है अरेंज होते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब जितनी उधर जितनी दूर होगा उतनी दूरी है, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होते हैं और दोनों क्रोमोसोम से अपोजिट सिरे के जो पोलर बॉडीज हैं उनसे निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स वो ईच क्रोमोसोम से जोड़ते हैं। क्लियर बात नहीं, वहां माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में हर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से दोनों साइड के जो है स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे थे, नहीं है, एक क्रोमोसोम से दो साइड, दो सिरे के उधर के भी और इधर के भी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक होमो यानी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम से एक तरफ के जो होमो जो है एक पोल के जो स्पोलर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं एक क्रोमोसोम से, अपोजिट पोल के जो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपोजिट पोल से, अपोजिट जो है पोल से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये इन मेटाफेज में इनका अरेंजमेंट होता है, स्पिंडल फाइबर्स इनके सेंट्रोमियर से आके जुड़ जाते हैं, ठीक। ये मेटाफेज फर्स्ट हो गई। उसके बाद फिर एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में जैसे वहां हो रहा था कि वहाँ दो जो है दोनों स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है और दूसरे दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, दोनों होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वहाँ माइटोसिस में क्रोमेटिड मूव कर रहे थे, यहाँ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। देख रहे हैं, अपोजिट क्रोमोसोम दोनों मूव कर जाते हैं, क्लियर बात नहीं, और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये हो गई एनाफेज फर्स्ट, क्लियर हो गई बात नहीं। उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड स्टेज होती है किसकी, मियोसिस फर्स्ट की लास्ट स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। इस फेज पर पहुंचते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा जो है अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है, ठीक है, और जो दो न्यूक्लियस बनते हैं या दो न्यूक्लियाई बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर ओरिजिनल सेल से हाफ रह जाता है। देख रहे हैं वहां दो है क्रोमोसोम, यहां दोनों में एक एक क्रोमोसोम रह गया। क्या हो गया है, दोनों में, देख रहे हैं इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो दोनों में एक एक क्रोमोसोम रखा है। क्लियर बात नहीं, क्रोमोसोम दोनों में क्या क्या है, एक एक है और दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है क्योंकि दोनों में क्रॉसिंग और हुआ था तो इसलिए जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज हो चुका है। तो दो जो है नॉन आइडेंटिकल न्यूक्लियाई बनते हैं, जबकि माइटोसिस में जो दो न्यूक्लियस बन रहे थे वो बिल्कुल आइडेंटिकल न्यूक्लियस बन रहे थे, हर चीज उनमें सेम थी। क्लियर बात नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेज शुरू होती है वो मियोसिस सेकंड है। क्या शुरू होती है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड से शुरू होने से पहले जो इंटरफेस होती है यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच की जो स्टेज होती है जो इसको हम इंटरफेस कहेंगे, उस पीरियड में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो इंटरफेस होती है उसमें दो फेसेस, उसमें तीन फेसेस होती हैं, G1, S एंड G2। बताया था ना हमने कौन कौन सी फेस होती हैं, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। यहां पर क्या होता है कि मियोसिस सेकेंड से पहले
यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच जो इंटरफेस होता है उसमें सिर्फ G1 और G2 फेस होती है, S फेस नहीं होती है। क्लियर हो बात? नहीं, S फेस नहीं होती। क्यों नहीं होती है ये मुझे पता होना चाहिए। हम पहले बता चुके हैं कि मियोसिस वो डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का डिवीजन सिर्फ एक बार होता है, सेल्स दो बार डिवाइड होती हैं और क्रोमोसोम एक बार, और जब क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो रहा है तो डीएनए का भी डिवीजन नहीं हो रहा है। क्लियर बात? नहीं, डीएनए का भी डिवीजन नहीं हो रहा है, और जब डीएनए का डिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि रेप्लिकेशन जब नहीं होगा तो फिर एस फेस भी नहीं होगा, क्योंकि एस फेस में रेप्लिकेशन होता है। क्लियर बात? नहीं, कहां यह हमें पता है ना, एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, दो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। वो पीरियड चूंकि यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होना नहीं है इस वजह से यहां सिर्फ G1 और G2 फेस होती है, एस फेस नहीं होती। क्लियर हो बात? नहीं, एस फेस नहीं होती है। कुछ समझ में आ रहा है लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेज फर्स्ट शुरू होती है, प्रोफेज फर्स्ट प्रोफेज सेकेंड शुरू होती है। प्रोफेज सेकेंड क्या है? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, ये स्टेजेस सिर्फ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने माइटोसिस पढ़ी थी, बिल्कुल सेम वैसे ही। इसमें है इसके शुरू लास्ट होते होते क्या होता है कि जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाती है ना, और क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, फिर बीच से फटे हुए दिखाई देते हैं ना, उसके बाद फिर ये यानी क्रोमेटेड दिखाई है अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये मेटाफेज सेकंड होती है। मेटाफेज सेकंड में ये क्रोमोसोम उसी तरह से अरेंज होते हैं जैसे कि माइटोसिस में अरेंज हुए थे, अब यहाँ उस तरह से अरेंज नहीं होंगे जिस तरह मियोसिस में अरेंज हुए थे, यानी कि जिस तरह से एनाफेज जिस तरह से मेटाफेज फर्स्ट में अरेंज हुए थे उस तरह से अब मेटाफेज सेकंड में अरेंज नहीं होंगे, अब वैसे ही उनका अरेंजमेंट होगा जैसा कि माइटोसिस में था। कैसे? यानी दो सारे क्रोमोसोम लाइन में अरेंज होंगे, अपोजिट क्रोमोसोम नहीं अरेंज होंगे बल्कि सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज होंगे। क्लियर बात? नहीं, सारे क्रोमोसोम क्या होंगे? क्लियर बात? नहीं, सारे क्रोमोसोम लाइन में अरेंज होंगे जैसे वहां माइटोसिस जिस तरह से माइटोसिस में अरेंज हुए थे वैसे ही यहां अरेंज होंगे, यानी हर क्रोमोस यानी कि एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, इस तरह से क्रोमोसोम अरेंज होंगे। क्लियर बात? नहीं, यानी क्रोमोसोम ऐसे ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे 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 अरेंज, अपोजिट क्रोमोसोम नहीं अरेंज होंगे जैसे वहां अरेंज हुए थे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के अपोजिट जैसे वहां अरेंज हुए थे वहां ऐसे अरेंज नहीं होंगे बल्कि एक लाइन में अरेंज होंगे, एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, इस तरह से अरेंज होंगे, और इनके सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर वैसे ही अटैच्ड होंगे। क्लियर हो बात? नहीं, क्लियर हुई बात? नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट स्टेज ये है एनाफेस सेकेंड, ये भी वैसे ही होती है जैसे कि माइटोसिस की एनाफेस होती है, दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट स्टेज इसमें आती है सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड में क्या होता है कि टेलोफेज सेकेंड में होते होते ये जो है दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी अपेयर हो जाते हैं, और इस तरह से चार न्यूक्लियाई बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, हाफ होता है, एन होता है। पहले जो डिप्लॉयड सेल थी जहां से माइटोसिस मियोसिस शुरू हुई थी वहां क्रोमोसोम का नंबर 2n था, और ये चार जो न्यूक्लियाई बने हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर n होता है। क्लियर हो गया? यानी हाफ होता है, यानी अब ये हैप्लॉयड न्यूक्लियस बने, वो थे डिप्लॉयड और ये हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने हैं, चार न्यूक्लियाई, ठीक है, चार न्यूक्लियाई बनते हैं और चारों न्यूक्लियाई एक दूसरे से नॉन आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है, जेनेटिक जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो सब में चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट की पैचीटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स के सेगमेंट के बीच आपस में एक्सचेंज हुआ था, उस एक्सचेंज को हमने क्या कहा था, क्रॉसिंग ओवर कहा था ना, उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रोमोसोम के जो सेगमेंट्स हैं वो चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से जीन्स जो है वो उनके अंदर रीअरेंजमेंट हो गया था, उस रीअरेंजमेंट की वजह से क्या हुआ कि अब जो चार ये न्यूक्लियाई बने हैं ये चारों न्यूक्लियाई क्या हैं, चारों न्यूक्लियाई क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कैरेक्टर में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बात समझ आ गई? चारों न्यूक्लियाई एक दूसरे से कैरेक्टर में एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर बात? नहीं,
दोनों चारों न्यूक्लियस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबने जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस सब में जो क्रोमोसोम्स हैं उनके उनमें जीन्स का अरेंजमेंट चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्लियर बात नहीं? इस तरह से चार न्यूक्लियाई यानी एक मियोसिस से चार न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है। पूरी मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है तो ये चार न्यूक्लियाई बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड होता नहीं, आधा होता है, हाफ होता है, और इनमें इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन का अरेंजमेंट है वो भी, और जो है पेरेंट जो सेल है, पेरेंट जो सेल है उस न्यूक्लियस है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। समझ में आ गई बात नहीं? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? यानी एक बार मायोसिस होती है तो चार स्वयं बने, कितने बने? चार। नहीं बनेंगे भाई, एक मियोसिस से चार सेल बनी है ना जी सर। एक सेल की मियोसिस से चार सेल बनी तो एक स्पर्म, तो चार स्पर्म बनने के लिए यानी कि एक मियोसिस होगी तो चार स्पर्म बनेंगे। बात समझे नहीं? कितने बनेंगे? चार स्पर्म बनेंगे। क्लियर है बात नहीं? अब जैसे सवाल कभी कभी ये भी आ सकता है कि मान लीजिए पूछा जाए कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म बनना है या कोई एक, जैसे सपोज करें हम प्लांट की बात करें कि एक सीड बनना है तो एक सीड के लिए कितनी मियोसिस चाहिए होती है, एक सीड के लिए कितनी मियोसिस चाहिए होती है अगर ये पता पूछा जाए तो। उसमें होता क्या है कि हम पहले काउंट करें, जैसे हमने कहा कि जैसे हमें एक सीड जैसे बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक मेल गैमेट चाहिए होगा, कम से कम एक मेल गैमेट चाहिए होगा और एक फीमेल गैमेट चाहिए होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर हम उसके बैक में जाएंगे देखेंगे तो क्या होता है कि एक जब मियोसिस होती है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है या स्पर्म बनते हैं तो क्या होता है कि एक एक जो है सेल से चार स्पर्म बन जाते हैं। लेकिन ओवम जिसे बनना होता है या जिसे अगर हम प्लांट में करें तो अगर मान लीजिए जो फीमेल का जो गैमेटोफाइट बनना होता है या फीमेल जो 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 जिसे फर्टिलाइजेशन होता है उस वो बनना होता है, मेल फीमेल गैमेट बनना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो जो एक सेल से जो चार न्यूक्लियाई तो बनते हैं लेकिन उसमें से तीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एक ही बचता है। क्या बचता है? तो इसका मतलब है कि एक ओवम बनने के लिए, एक ओवम बनने के लिए एक जो है एक ही एक ओम बनने के लिए एक ही मियोसिस चाहिए होता है, यानी एक मियोसिस से एक ही ओम बनेगा, एक मियोसिस से एक ही ओम बनेगा। क्लियर ही बात नहीं? और इसका मतलब अगर 100 अगर जो है 100 स्पर्म बनाना हो तो 25 मियोसिस की जरूरत है, नहीं बनेंगे। लेकिन अगर 100 ओम बनना हो, अगर 100 ओम बनना हो तो 100 मियोसिस की जरूरत है, क्योंकि एक मियोसिस से एक ही ओम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर टोटल पूछा कि एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कितने मियोसिस चाहिए, एक एक जो है फिटस बनने के लिए एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कितने कितने वो चाहिए, तो कितना होगा? तो 100 जो है ओवम बनने के लिए और 25 उसके बनने के लिए, इस तरह से 125 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला हम बता देते हैं, वो क्या होता है कि अगर हमें पूछा जाए कि इतने ऑर्गेनिज्म बनना हो तो कितने मियोसिस की जरूरत होती है, कितने मियोसिस चाहिए, तो 5n/4 ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 5n/4। क्लियर हो गई बात नहीं? 5n/4 फॉर्मूला है। 5n मतलब जैसे मान लीजिए 100 बनना है तो 5 × 100/4 कितना हो गया बताइए? 5 × 100/4 425 हुआ, और इसको 25 × 5 = 125 आ गए, 125 बता रहे 125 हो गया। तो अगर कोई पूछे कि अगर 500 सीट बनने के लिए कितने में उसे चाहिए, 5 × 500/4 इस फॉर्मूले में रख देंगे, आराम से आ जाएगा। बात नहीं? तो इस तरह से मियोसिस कंप्लीट हो जाती है। समझ आ गई बात? इस तरह से ये चैप्टर सेल डिवीजन का भी कंप्लीट हो गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है।